हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लास नाइन्थ एसएसटी सोशल साइंस वर्कशीट नंबर फिफ्टी टुडेज वर्कशीट इज़ आल्सो गोइंग टू बी क्वाइट इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग वन आज की हमारी वर्कशीट भी काफ़ी आसान रहने वाली है और बहुत इंटरेस्टिंग भी रहने वाली है इन दिस वर्कशीट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर सेकंड चैप्टर ऑफ जियोग्राफी सेकेंड चैप्टर जो हमारा लास्ट वर्कशीट से चल रहा था उसको हम कंटिन्यू रखेंगे इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं अबाउट द फिजियोग्राफिक फीचर्स ऑफ इंडिया इंडिया को कितने फिजियोग्राफिक डिविजन्स में बांटा जा सकता है उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं इंडिया कैन भी डिवाइडेड इंटू द सिक्स फिजियोग्राफिक फीचर्स हम सिक्स फिजियोग्राफिक फ़ीचर्स में इंडिया को डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट वन इज द हिमालयन रीजन सेकेंड वन नॉर्दर्न प्लेन थर्ड वन थर्ड डिजर्ट जिसके बारे में हम लास्ट वर्कशीट में डिस्कस कर चुके हैं फोर्थ वन पेनिनसूला प्लेट्यू फिफ्थ वन कोस्टल प्लेन्स एंड सिक्स वन आइलैंड्स। हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वर्कशीट में अबाउट द कोस्टल प्लेन्स तटीय मैदानों की जो कोस्ट के ऊपर है तो चलिए शुरुआत करते हैं एज इट इज़ विजिबल ऑन यूर स्क्रीन दिस इज़ वर्कशीट नंबर फिफ्टी ये हमारी वर्कशीट नंबर फिफ्टी रहेगी आ सब्जेक्ट एस एस टी सोशल साइंस इन विच जोग्राफी चैप्टर नंबर टू इंडिया फिजिकल फीचर इज गोइंग ऑन टूडेज डेट फिफ्थ ऑफ नवम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी द कोस्टल प्लेन सबसे पहले हमें समझना जरूरी कि कोस्टल प्लेन है कहाँ अगर हम थोड़ा सा मैप को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं इफ़ इट इज़ पॉसिबल आई विल ट्राई टू शो यू इस साइड से ऐसे अगर मूव करें तो यहाँ पर ओके okay, और यहाँ पर यानि कि ऑन द वेस्टर्न साइड एंड ऑन द ईस्टर्न साइड वी हैव द नेरो प्लेन्स दीज आर नोन एज द कोस्टल प्लेन इनको हम कोस्टल प्लेन कहते हैं ऑन द वेस्ट साइड इट इज़ नोन एज द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ऑन द ईस्ट साइड इट इज़ नॉन एज द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इसको कहा जाता है ओके okay. हमारी जो टोटल कोस्ट लाइन है वो लगभग सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटीन किलोमीटर के आसपास है हमारे यहाँ से लेकर के जो कोस्ट लाइन है समुद्र के साथ लगती है हमारी जो सीमा है ओके okay. इसमें से नीरबाउट सिक्सटीन हंड्रेड किलोमीटर लॉन्ग वी हैव द कोस्टल प्लेन्स यानी कि टोटल जो लेंथ है कोस्टल प्लेन की वो 6100 किलोमीटर के आसपास है द प्लेन लाइज बिटवीन द पेनिनसुला प्लेट्यू एंड द ओशनिक रीजन के बीच में पाए जाते हैं यहाँ पे हम दोबारा से ड्रॉ करते हैं तो यहाँ देखिए कि इस साइड में अरेबियन सी है एंड ऑन दिस साइड द इज अ पे ऑफ बेंगाल तो यहाँ उन दोनों के बीच में बीच में क्योंकि पेनिनसुला प्लेट्यू है तो इन दोनों के बीच में कोस्टल प्लेन है ऑन द ईस्ट एंड द वेस्ट साइड अगर हम देखें तो इस कोस्टल प्लेन को ऑन द बेस ऑफ द लोकेशन के बेस पर ऑन द बेस ऑफ द क्रेक इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स इसको हम टू तो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो वेस्ट में रहेगा और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो ईस्ट में रहेगा अब पहले हम बात करते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज नोन एज द नॉर्दर्न सरकार एंड द वायल्ड द साउदर्न पार्ट इज नोन एज द कोरोमंडल कोस्ट हम दोबारा से हमें बार बार ड्रॉ करना पड़ेगा जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है अप टू तमिलनाडु इस पार्ट को नॉर्दर्न सरकार कहा जाता है ओके okay? और जो साउथर्न पार्ट है उसको बोला जाता है कोरोमंडल कोस्ट, ओके यानी कि इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं दूसरी अगर बात की जाए द मेन फीचर्स ऑफ दिस ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज द नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ लैक्स एज वेल एज ए नंबर ऑफ डेल्टाज यहाँ पे डेल्टाज काफ़ी ज़्यादा है महानदी डेल्टा कृष्णा डेल्टा कावेरी डेल्टा गोदावरी डेल्टा दीज आर द मेजर डेल्टाज एंड काफ़ी सारी यहाँ पर लेक्स भी मिलती है अमंग वन इज चिल्का लेक जो इंडियाज़ लार्जेस्ट सोल्ट वाटर लेक है तो इस प्रकार की लेक्स काफ़ी ज़्यादा और डेल्टा काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं यहाँ पर इट लाइज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा चिल्का लेक की बात करें टू द साउथ ऑफ द महानदी डेल्टा और इसकी अगर व्यर्थ की बात करें द वे ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज 80 टू 100 किलोमीटर के आसपास है इसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन तो इसकी इतनी अधिक जो वर्थ है चौड़ाई होने के तीन कारण हैं कि इतनी अधिक चौड़ाई क्यों है जबकि इतनी अधिक चौड़ाई है वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की नहीं है दैट इज़ क्वाइट नेरो वन वो काफ़ी नेरो है तो इसके तीन कारण हैं पहला कारण जो यहाँ पे रीजन हमें मिलेगा ड्यू टू द जियोलॉजिकल इंक्लाइनेशन ऑफ ऑल प्लेट्यू रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट माउंटेन्स एंड रिस द ईस्टर्न कोस्ट एंड दिस कोज डेब्रिस डिपोजिट्स इन द वास्ट एरिया एंड दिस डिपोजिट फॉर्म्स द डेल्टा प्लेन यानी यहाँ पर हम इंडिया के साउदर्न पार्ट की बात करें तो साउदन पार्ट में मोस्टली जो साउदर्न पार्ट की रिवर्स है वो वेस्टर्न घाट से निकलती है और हमारा जो स्लोप है ढाल है वो इस साइड में है मोस्ट ऑफ द रिवर्स फॉल्स इन बे ऑफ बेंगोल में गिरती है तो जब ये वहाँ से आती है तो अपने साथ काफ़ी सारा जो डेबरिस लेकर के आती है डेबरी डिपोजिट का मतलब है मलबा ओके कंकर पत्थर मिट्टी इत्यादि लेकर के आती है और यहीं पे डिपॉजिट करती है उससे डेल्टा बने और इस डेल्टा के बनने से ही इसकी चौड़ाई अधिक है पहला कॉज रीजन ये है सेकेंड है ड्यू टू द इरोजन ऑफ द माउंटेन्स ऑफ द ईस्टर्न घाट यहाँ पर ईस्टर्न घाट के साथ यहाँ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के साथ ईस्टर्न घाट है और उसका इरोजन हो चुका uh, the, uh, है सबसे ज़्यादा हुआ बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ रिवर्स फ्लो थ्रो दिट थ्रो दिस वन काफ़ी सारी नदियाँ बहती हैं और उसके कारण वो लगभग एक ढांचा ही रह गया तो इसका इरोजन होने के कारण भी इसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा बढ़ पाई है थर्ड रीजन इज दैट थर्ड रीजन है कि दैट सेवरल जियोलॉजिकल एविडेंसेज आर देयर कुछ जियोलॉजिकल एविडेंसेज है वो ये शो करते हैं दैट द कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु एंड उड़ीसा राइजन ऊपर उठा है यानि ये अंडर वाटर था लेकिन कुछ कारणों से मिलियन ईयर से गो ये ऊपर की तरफ उठा है उसके कारण भी ये जो पार्ट है हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन दैट इज वाइडर एज कंपेयर टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से तुलना करें तो काफी ज्यादा चौड़ा है ओके okay, तो इसके थ्री कारण हैं फर्स्ट वन इज द फॉर्मेशन ऑफ द डेल्टा सेकंड वन इज द इरोजन ऑफ द ईस्टर्न घाट एंड थर्ड वन इज द जियोलॉजिकल एविडेंस इज ऑल्सो प्रूव दैट दिस पार्ट हैज राइजन कि ये ऊपर उठा है अब हम बात करते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की वेस्टर्न कोस्टल प्लेन दैट इज इन द वेस्टर्न साइड में है बिट इट इज ए सैंडविस्ट बिटवीन द वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में है ये ओके इट इज नेरोअर टिवली ये नेरू है एंड इट इज थ्री पार्ट्स वहां पे टू पार्ट्स थे यहाँ के थ्री पार्ट्स हैं फ्रॉम गुजरात टू गोवा यहाँ पे हम अगर थोड़ा सा बना करके देखें तो यहाँ पर गुजरात टू गोवा तक है ये कोंकण कोस्ट कहलाता है देन इन कर्नाटका इट इज नोन एज कन्नड़ कोस्ट एंड इन द साउथ केरला के आसपास है इसको थर्ड जो पार्ट है उसको बोला जाता है मालाबार कोस्ट सो फर्स्ट वन इज द कोंकण कोस्ट सेकेंड वन इज द कन्नड़ कोस्ट एंड थर्ड वन इज द मालाबार कोस्ट यानी कि इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कोंकण प्लेन भी बोल सकते हैं इसको कन्नड़ प्लेन भी कहा जा सकता है एंड लास्ट वन को हम मालाबार प्लेन और मालाबार कोस्ट कह सकते हैं ओके इट इज़ द वाइडेस्ट इन द नर्मदा एंड तापी रिवर यानी गुजरात में ये सबसे चौड़ा है एंड इट इज़ द नीरोस्ट इन द गोवा एंड कर्नाटका गोवा कर्नाटका के बीच के आसपास है वहाँ काफ़ी नेरो रह जाता है और वहाँ पर इनकी वीट जोइ प्लेन की दैट इज जस्ट 10 टू 15 किलोमीटर के आसपास रह जाती है तो ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से तो काफी नेरो है लेकिन यहां पर तो बिल्कुल ही कम रह जाती है डिपोजिट अकर्स इन द माउथ ऑफ द मोस्ट वाटर कोर्सेस हैंस द टोपोग्राफी एज द रिवर साइड लेगून सी ब्रिज आर फाउंड यहां पर ड्यू टू द स्लोप जो यहाँ पर स्लोप काफ़ी ज़्यादा है ढाल काफ़ी ज़्यादा है इसके कारण देर इज़ ए लैक ऑफ डेल्टा, यहाँ पर डेल्टा नहीं पाए जाते हैं ओके okay. तो ये मेन फीचर्स की बात हुई लेकिन अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें क्या ये टॉपिक इम्पोर्टेंट रहने वाला है यस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड क्वेश्चन जो आपका पूछा जा सकता है दैट कैन बी आस्क फॉर फाइव मार्क्स और वो क्वेश्चन रहेगा डिफ्रेंशिएट और कंपेयर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इनके कंपेरिजन के लिए तो चलिए हम कंपेरिजन करते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड देन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें देर आर द डेल्टाज इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में काफी सारे डेल्टाज हैं यहां पे देर इज लैक ऑफ डेल्टाज आप सिंपल लिख सकते हो यहां पे टाइड मिलते हैं यहां पर द टाइड्स आर हेयर Like, यहाँ पे सिर्फ ज्वार नद मुख जिनको बोलते हैं यहां पे डेल्टा नहीं है तो आप सिंपल लिख सकते हो देर इज लैक ऑफ डेल्टा इन दिस कोस्टल प्लेन मोस्ट ऑफ इट इज मेड ऑफ डिपोजिट ये जाता किससे बना है डिपोजिट से किसने डिपोजिट किया रिवर्स ने जो जमा किया है इरोजन हैज अकर्ड द मोस्ट ऑफ द पार्ट यहां पे इरोजन के कारण बना जो वेस्टर्न घाट है उसका इरोजन हुआ और उसके कारण ये बन पाया हियर द राइस इज मोर ड्यू टू द स्मूथ because बिकॉज दिस पार्ट इज मोर फर्टाइल ये ज़्यादा फर्टाइल है तो यहाँ पे राइस है वो बेटर होता है जबकि इस पार्ट में रबर एंड कोकोनट आर द मेन क्रॉप थर्ड इट रिसीव द हैवी रेनफॉल इन द विंटर एज वेल एज इन द समर मानसून दोनों मौसम में यहाँ बारिश होती है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में अगर आप टी वी में न्यूज़ देखोग दिसंबर में वहाँ फ्लड मिलेगी हमें एज compared टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें रिसीव द रेनफॉल ओनली ड्यूरिंग द समर यहां पर समर मॉनसून से रेनफॉल होती है मोस्ट ऑफ दर दर्टिफिशियल मोस्ट ऑफ दोर्ट है वो आर्टिफिशियल पोर्ट क्या होती है लाइक एयरपोर्ट फॉर द एयरवे एयरपोर्ट होती है शिप के लिए इसी तरीके से पोर्ट होती है ओके ये जो पोर्ट है यहां पर नेचुरल है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में यहाँ पे आर्टिफिशियल क्यों है क्वेश्चन बनता है हमारा आर्टिफिशियल क्योंकि यहां पर काफी सारी थाउजेंड्स ऑफ रिवर्स फॉल्स इन टू द बे ऑफ बेंगोल और वह अपने साथ गाद लेकर के आती है वो गाद जमा हो जाता है जिसके कारण जो नेचुरल पोर्ट है वो डेवलप नहीं हो पाती इसलिए यहाँ पर मोस्ट ऑफ द पोर्ट्स आर आर्टिफिशियल मास डेंसिटी इज हाई यहाँ पे लो जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो हाई है यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी और कंपेटिवली लो है क्यों बिकॉज दिस प्लेन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज मोर फर्टाइल या ज्यादा फर्टाइल है द फ्लो ऑफ रिवर इज स्लो ड्यू टू द स्लॉप्स यहाँ पे रिवर्स का फ्लो है वो काफ़ी स्लो रहता है क्योंकि यहाँ पर स्लोप है वो काफ़ी लो रहता है ओके okay? इसलिए तो डेल्टा बनता है यहाँ पे स्लोप है वो काफ़ी हाई है तो यहाँ पर फ्लो रिवर का फास्ट है और इसीलिए यहाँ पर डेल्टे नहीं पाए जाते एट डिफरेंस है इट इज़ मोर इवन एंड स्मूथ ये बिल्कुल स्मूथ है समतल है इट इज़ मोर अन ईवन एंड कोर्स ब्रोकन यहाँ पर ये अनइवन है उबड़ खाबड़ है ऊंचा नीचा पाया जाता है डिफरेंस तो थे फाइव विल बी इनफ फॉर यू अगर आप फाइव डिफरेंस भी क्रिएट कर पाते हो तो वो इनफ रहेंगे आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए बिफोर मूविंग टू द क्वेश्चन आंसर वन क्वेश्चन इज देयर फॉर यू हमारी हर वर्कशीट में एक क्वेश्चन होता है तो आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा नेम द हाइएस्ट माउंटेन पीक ऑफ वेस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट जो साथ लगता है उसकी हाइएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर इन दिस वर्कशीट फाइव इजी क्वेश्चन आर गिवन पांच आसान से क्वेश्चन दिए गए इस वर्कशीट में फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर नेम द सी साइड प्लेन दैट फॉल विद इन द इंडियन बॉर्डर इंडियन टेरिटरी में आने वाले दो सी साइड प्लेन या फिर कोस्टल प्लेन के नाम बताने द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर द टू मेन सी साइड प्लेन विद इन द इंडियन बॉर्डर ये दो मेन हमारे कोस्टल प्लेन है वाई आर मोस्ट ऑफ द पोर्ट्स ऑन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर आर्टिफिशियल ईस्टर्न साइड की बात करें यहाँ पर यह आर्टिफिशियल है क्यों द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज नॉट कंडक्टिव टू द डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल पोर्ट्स क्यों नहीं है सुटेबल नहीं है क्यों नहीं है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ एक्सेसिव डिप्रिशंस यहाँ पर एक्सेसिव जो डेब्रिश है जो मलबा है उसका डिपोजिशन होता है यहाँ पर बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ रिवर्स फॉल्स इन टू द बे ऑफ बेंगाल तो उसके कारण यहाँ पर हैंस आर्टिफिशियल फोर्ट्स आर मोर ऑफन फाउंड ऑन दिस कोस्ट इसलिए यहाँ पर आर्टिफिशियल फोर्ट ही ज़्यादा मिलती है नेचुरल पोर्ट है वो डेवलप नहीं हो पाई है क्योंकि घास जमा हो जाता है थर्ड वन इज़ देयर वाई इज़ द फ्लो ऑफ रिवर्स ऑन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन फास्टर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में जो रिवर्स का फ्लो है स्पीड है वो काफ़ी फास्ट रहती है और इसी कारण क्या नहीं बन पाते डेल्टा नहीं डेवलप हो पाते क्यों फास्ट क्यों है ड्यू टू द ग्रेडियंट और द हाई स्लोप भी आप लिख सकते हो ड्यू टू हाई स्लोप ऑन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन द फ्लो ऑफ द रिवर इज फास्ट कि हाई स्लोप के कारण जो ऊंची ढाल है तेज ढाल है उसके कारण यहां पर नदियां तेजी से बहती है फोर्थ क्वेश्चन इज देयर गिव फाइव मेजर डिफरेंस बिटवीन द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न सी साइड प्लेन्स ये आपका इस चैप्टर का लगभग श्योर क्वेश्चन रहेगा तो यहां पे मैंने इजी लैंग्वेज में राइट करने की कोशिश किया लेट्स चेक इट आउट कि फाइव डिफरेंस कैसे रहेंगे यहां पे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के मेंशन किए गए आफ्टर दैट वेस्टर्न कोस्टल प्लेन अगर हम एक भी करते हैं दैट इज इनफ क्योंकि हम इजीली राइट कर पाएंगे फर्स्ट है मोर डेल्टाज आर फाउंड हियर यहां पे हम लिखेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन देर इज लैक ऑफ डेल्टा नो मेजर डेल्टा इज देयर इन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन दिस फील्ड इज मोर वाइड दिस इज नेरो ये संक्रा है या लेस वाइड आप लिख सकते हो दिस फील्ड दिस प्लेन इज मोर फर्टाइल दिस इज लेस फर्टाइल इट रिसीव रेन फ्रॉम द बोथ समर एंड विंटर मानसून इट रिसीव द रेन फॉल ओनली इन द समर मानसून दिस फील्ड इज मोर सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर दिस फील्ड इज लेस सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर यानी यहाँ सब कुछ अधिक है चौड़ाई भी अधिक है यहाँ पे फर्टिलिटी भी अधिक है सूटेबल uh, भी अधिक है एग्रीकल्चर के लिए पॉपुलेशन भी अधिक है डेल्टाज भी अधिक है यहाँ पे सब कुछ कम रहेगा ओके यू कैन ईजिली राइट डाउन द आंसर सो यहाँ मैंने मेंशन भी किया है नीड नॉट टू चेक दैट वन आप अगर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के फीचर्स कर लेते हो दैट्स इनफ नाउ फिफ्थ वन इज देयर रिप्रेजेंट द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इन द पोल्टल मैप ऑफ इंडिया हमें पोल्टिकल मैप में ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को शो करना है यहाँ पर हम फाइव और प्लस वन सिक्स फिजिकल फीचर्स भी देख सकते हैं यहाँ पे देखिए मैप में दिस वन इज़ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन दिया गया एंड दिस वन इज़ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ये आपको मैप वर्क में शो करना है यू कैन ड्रॉ द मैप ऑफ साउथ इंडिया का ड्रॉ कर सकते हो दैट इज़ क्वाइट इजी वन इन योर नोटबुक और अदरवाइज यू कैन पेस्ट इट इसको आप पेस्ट कर सकते हो इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं जो सिक्स फिजियोग्राफिक फ़ीचर्स की हम बात करें फर्स्ट वन यहाँ पर है दैट इज़ द हिमालयन रीजन सेकेंड वन इज़ द नॉर्दर्न प्लेन थर्ड वन थर्ड इजर्ट जो हम पढ़ चुके हैं फोर्थ वन इज़ द पेनिनसुला प्लेट्यू फिफ्थ वन जो आज हमने किया है दिस इज द कोस्टल प्लेन और सिक्स वन इज़ द आइलैंड्स। तो हम टू कवर कर चुके हैं नेक्स्ट फोर है वी आर गोइंग टू कवर इन द अपकमिंग वर्कशीट्स दैट्स ऑल आई होप दैट आपकी स्टडी बेहद अच्छे तरीके से चली होगी ऐसे ही आप मन लगा करके पढ़िए खूब पढ़िए आगे पढ़िए, हमारे साथ भी बने रहिए इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू बाय बाय हैव है नाइस डे